अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तूबा और मैं एक और लाइव सेशन के साथ आज हाज़िर हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक ऐसी बीमारी जिससे हर कोई पनाह मांगता है नाम भी सुन के, और जो है वो एक ऐसा आप कह लें कि बीमारी है जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि हर कोई इससे जो है दुश्मन को भी महफूज रखे। तो ये है हमारा टॉपिक है आज कैंसर पे। कैंसर के लिए हमने आज बुलाया है डॉक्टर अमजद को, जो कि हमारे साथ आज इस वक्त मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूवर्स को और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। हाँ, जैसे आप जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम डॉक्टर अमजद दुरानी है और मैं इस शोबे से ग्रेजुएशन के बाद, जो कि मैंने 83-84 में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से की, उसके बाद से समहाउ मैं इस शोबे से, तबी से मुंसलिक हूँ। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो पाकिस्तान में उस वक्त मौजूद थी क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी में, मैंने वो की 89 में। फिर मैंने म्यू हॉस्पिटल में एज मेडिकल ऑफिसर और रजिस्ट्रार काम किया, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी। फिर उसके बाद मैं यूरोप चला गया, वहाँ पे मैं 4 साल तक तालीम दी में इस शोबे में, और फिर मैं वापस आया, 1.5-2 साल फिर एज कंसल्टेंट काम किया, और उसके बाद मैं फिर सऊदी अरब रहा हूँ तकरीबन 15-16 साल। इसके अलावा फिर मैं अभी 2-3 साल हुए मैं वापस आया हूँ, और तब से मैं एज कंसल्टेंट वज़ीर हबीब कैंसर सेंटर में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं 2-3 और हॉस्पिटल्स में एज विजिटिंग कंसल्टेंट भी जा रहा हूँ। अगर आपको डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट चाहिए हुई तो हमारे प्लेटफॉर्म से आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। वेबसाइट पे उनका लिंक मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास कमेंट सेक्शन में भी लिंक आता रहेगा उनका। WHO के अकॉर्डिंग मर्दों के अंदर जो सबसे कॉमन डिजीजेज हैं पाई जाती कैंसर के हवाले से, उसकी जो ऑर्गन्स हैं उनमें ये इंक्लूडेड है, जैसे कि लंग्स हैं, लिवर है हम लोग के पास, प्रोस्टेट कैंसर है और कोलोरेक्टल और स्टमक कैंसर है। इसी तरह से औरतों के अंदर जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे कॉमन कैंसर्स पाए गए हैं वो हैं ब्रेस्ट कैंसर, जो कि शदीद मकदार में हर औरत में है, तकरीबन ऑलमोस्ट हर तीसरी औरत के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम है। लंग्स है, कोलोरेक्टल है, सर्वाइकल एंड स्टमक कैंसर्स हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी, जो कि हमारा एक सवाल भी आया था पोस्ट के नीचे, कि डॉक्टर साहब जो कैंसर है वो एक्चुअली होता कैसे है, वो कैसे फैलता है, उसकी स्टेजेस का क्यों पता नहीं लगता कि डायरेक्ट आपको अक्सर इंकशाफ हो जाता है कि जी आपकी थर्ड स्टेज है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हर कैंसर के साथ ऐसे नहीं है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ वाजे कर दूं कि कैंसर एक बीमारी नहीं है, ये बीमारियों का मजमू है। गार्ड ठीक है। है, नहीं, बीमारियों का मजमू है। अच्छा मजमू है इस तरह है कि जो ब्रेस्ट का कैंसर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है स्टमक के कैंसर से, या आप समझे कि ब्रेस्ट मुख्तलिफ है ओरल कैविटी के कैंसर से, ब्रेस्ट मुख्तलिफ है और आपके लिम्फोमा से। ठीक है, तो ये एक चीज़ नहीं। अब लिम्फोमा जो है वो मुख्तलिफ है दूसरे कैंसर से, इसका और ताल्लुक है। फिर सार्कोमास एक होते हैं जिनको भी कैंसर कहा जाता है, हालांकि अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो और कहीं से अराइज होते हैं, जबकि उनको भी कैंसर कर, आप उसके लिए लफ्ज़ मलिग्नेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। अब आप, जब मैंने मजमूआ कहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जो कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ होगी, और फिर उसमें ये है कि जो लंग का कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट है ओवरी के कैंसर से मुख्तलिफ होगी। हम ये नहीं कर सकते कि जो एक कैंसर की ट्रीटमेंट है दूसरे पे भी वही लागू कर दें। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है, और उसके पीछे एक पूरी एक साइंस है, उसके पीछे एक पूरी रिसर्च है, और हम क्यों ऐसे कहते हैं उसकी वजह है।
क्योंकि हर एक ने एक तरह का फैलना होता है, किसी खास किस्म ने, किसी ने लिम्फेटिक्स के जरिए जाना होता है, फैलना होता है, किसी ने ब्लड के जरिए, किसी ने वहीं पे ज़्यादा फैलना होता है। तो हर कैंसर जो है उसके फैलाव और उसके दूसरी जगह पे जाने का जरिया और तरीका मुख्तलिफ है, इसलिए ये इसको ट्रीट करने का तरीका भी मुख्तलिफ होना चाहिए। आपका ये सवाल कि ये थर्ड फोर्थ स्टेज पे क्यों पहुंच जाता है, हाँ देखिए पेंक्रियाज और लंग हो गया, ये दो ऐसे खतरनाक ट्यूमर हैं, कई दफ़ा स्टमक को भी साथ ले लें, कि जब पता चलता है तो ऑलरेडी कई दफ़ा 70-80% पेशेंट्स में वो फैल चुका होता है। तो इसमें यही है कि उसके नोयत ही ऐसी है कैंसर की कि जो जो जिसमें बहुत जल्दी वो फैलता है। अब कुछ और देखें, लो ग्रेड के होंगे ट्यूमर्स जो होंगे वो इतना तेज़ी से नहीं फैलेंगे, उनको हम शुरू में ही पकड़ लेंगे। अब ब्रेस्ट की मिसाल ले लीजिए, ब्रेस्ट के अंदर भी जो है मुख्तलिफ किस्में ट्यूमर्स की, कुछ जो है वो एक जगह पे ही रहेंगे और उनको लंप की वजह से हम अर्ली उसको डायग्नोस कर लेंगे, जबकि इसी ब्रेस्ट के अंदर इस तरह का भी कैंसर आ सकता है जो फौरन ही फैल जाता है। तो इसलिए ये एक पूरी एक ऑनकोलॉजी एक साइंस है जिस पे बहुत ज़्यादा तहकीक की गई है, और अभी तक तहकीक जो है वो नामुमकिन मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है। सही। तो अभी और भी इंशाल्लाह आती जाएंगी इसमें रिसर्च के वर्क के रिजल्ट्स जो हैं, तो फिर उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ट्रीटमेंट को भी मॉडिफाई करते जाएंगे। ठीक है, चलेंगे। तो हो गया कि कैंसर किस तरह से क्या होता है और उसकी स्टेजेस का किसी क्यों पता नहीं लगता। मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं इन्वॉल्व कैंसर के अंदर? किन रिस्क फैक्टर्स को हम नज़र में रखेंगे तो जो है कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता, सब किसी भी टॉप किस्म पे, का? सब टॉप पे आप रखें कि अभी तक ज़्यादातर का नहीं पता, टॉप पे रखें रिस्क फैक्टर्स का ज़्यादातर नहीं रिस्क पता। फैक्टर्स में ज़्यादातर या क्यों होता है किसी को नहीं पता, ठीक है, इस पे भी तहकीक हो रही है। उसके नीचे आप आएँ तो कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हैं सबको दुनिया को पता है, हम बार बार एक चीज़ का जिक्र करते हैं वो है स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग या सब कुछ, ये सबको पता है कि क्यों हम मना करते हैं। लंग का हो जाए, ब्लैडर का हो जाए कैंसर, ठीक है, इसमें हमें पता है कि जो जो पेशेंट्स जो हैं, जो जो पेशेंट्स हमारे पास आए हैं उनमें ज़्यादातर में हिस्ट्री जो है वो होगी कि वो उन्होंने डेफिनेटली ये लिया होता है। कुछ किस्में ऐसी हैं जिसमें स्मोकिंग का नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये कि एक तो हमें रिस्क फैक्टर का पता है, फिर जो इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन है, ठीक है, इसने रेवोल्यूशन आप कह लें, जिसने हमारे जो है सारी हमारे जो है जो पहले हम ऑर्गेनिक फूड और ये वो इस्तेमाल करते थे उसको बदल के रख दिया। जो केमिकल्स जो होते हैं ये आपकी जो डीएनए पे ऐसे इफेक्ट करते हैं जो आगे जाके म्यूटेट हो जाते, बदल जाते हैं, जो कि कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं, जो हम खाते हैं चीज़ें, खाद्य वगैरह इस्तेमाल और दूसरे केमिकल्स के इस्तेमाल शुदा चीज़ें। तो ये केमिकल एवोल्यूशन या रेवोल्यूशन जो है इसने भी आपके जो है ना इस कैंसर को बढ़ावे में एक वो जो है ना मदद दी है। फिर ये कि रेडिएशन होगी, ये एक नॉन फैक्टर है, इसके अलावा आपके वायरसेस हैं कुछ कुछ किस्मों के जो कि अंदरूनी तौर पे लिम्फोमास के अंदर या सर्विक्स का कैंसर है उसके अंदर कुछ फैक्टर्स हमें पता है, या नेजोफेरिंक्स के अंदर जो जो ऐसे किस्म के वायरसेस हैं जो चेंजेस बॉडी में लाते हैं जो बाद में जाके उसका बायस बनते हैं कैंसर का, उसको बढ़ावे का बायस बनते हैं, सही। ठीक है। तो ये तो नॉन फैक्टर है। इसके अलावा और
भी काफ़ी फैक्टर्स आ रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हर चीज़ को लेबल भी नहीं करना चाहिए कि ये कार्सिनोजेनिक या कैंसर कॉज करने का बायस है। जो मैंने आपको मोटे मोटे गिनवाए ज़्यादातर इनका पता है। हाँ अलबत्ता थोड़ा सा फैमिलियल फैमिलियल भी हैं, जब यानी कि कुछ फैमिलीज में ख़ास किस्म के कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट है 5 से 7% किस्म के जो होते हैं, इसमें अगर एक फैमिली में हो तो दूसरे को चांसेस होते हैं। फिर ओवेरियन कैंसर है, इसमें भी चांसेस होते हैं, फैमिलियल हो या जेनेटिकली वो जो है ना मॉडिफाइड हो के तो कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, ये फैमिलियल होते हैं। या कोलन में ऐसी किस्में हैं जो जो पोलिप्स जिनमें ज़्यादातर होते हैं पेशेंट्स में, वो बाद में जाके शक्ल इख्तियार कर सकते हैं उसकी कैंसर की, तो उनमें ये फैमिलियल हो जाते हैं, ठीक है। ये मैं वो फैक्टर्स बता रहा हूँ जो नॉन है, ठीक है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि कुछ कैंसर्स जो हैं वो जेनेटिक भी हैं, जेनेटिक भी हैं, जेनेटिकली फैमिली में रन करते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे एक ये भी सवाल पूछना था कि बहुत से लोगों को स्ट्रेस भी होता है, टेंशन भी होती है, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है उनका, बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लियो किसी चीज़ को लेके, तो स्ट्रेस जो है वो कैंसर कॉज कर सकता है? नहीं, स्ट्रेस कॉज नहीं कर सकता, हाँ अलबत्ता उसको इन्हांस जरूर कर सकता है, ठीक है, इनडायरेक्टली, लेकिन ये कि डायरेक्टली नो, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी स्टडी आई है जिसमें कि ये चीज़ प्रूवन हो कि ये ऐसे कर सकता है, नो। ओके ठीक है, तो मेरे पास अब क्वेश्चंस थोड़े से आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि है, व्हाट इज क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा? व्हाट इज क्लियर सेल, ये इसमें मेरा अपना ख्याल है कि ये दोनों ने रीनल सेल के बारे में पूछा है, जो इसमें ज़्यादातर क्लियर सेल आता है, एडिनोकार्सिनोमा ये गुर्दे का कैंसर है, ये उसकी किस्म है, तो ज़्यादातर ये जो है 85-90% ज़्यादातर गुर्दे के कैंसर जो हैं वो इसी किस्म के होते हैं। सही है, यानी कि गुर्दों से रिलेटेड है। हाँ ज़्यादातर, और भी एक दो में आ सकता है लेकिन रेयर है, ज़्यादातर ये गुर्दे के कैंसर में। ओके ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ जंक फूड इनटेक एंड बीइंग एक्सपोज्ड टू वाईफाई सिग्नल्स ऑन सेट ऑफ कैंसर? मोबाइल फोन की रेज हैजार्डस हो सकती हैं या माइक्रोवेव की भी? देखें, ये इस पे स्टडीज चल रही हैं, मैंने जैसे पहले कहा कि हमें हवा क्रिएट नहीं करना कि ये चीज करेगी वो चीज करेगी, मोहतात से। अब एक जो है कार्सिनोजेनिक को प्रूव करने के लिए 20-25 years चाहिए, ठीक है, मैंने बहुत सी स्टडीज देखी हैं, हो रही हैं, लेकिन वो इनकनक्लूसिव सी हैं। मसलन एक स्टडी जिसमें वो ब्रेन के वो जो है आप मोबाइल यूज़ करें और ब्रेन ट्यूमर हो जाए, और इस तरह की दूसरी, देखें ये आप शक जाहिर कर सकते हैं लेकिन अभी उसको अगर साइंटिफिकली प्रूव करें तो मेरे ख्याल में अभी नहीं। हाँ अलबत्ता उसको ज़रूर हमें नज़र में रखना चाहिए, उस पर तहकीक करते रहना चाहिए, और जो भी अननेचुरल चीज़ है उसको जितना भी हम अवॉइड कर सकें करना चाहिए। माइक्रोवेव डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये जो आपकी प्रोटीन्स हैं उनको डीनेचर्ड कर देता है, और जो कि न्यूट्रिशन वाइज अच्छी चीज़ नहीं है। अगेन जंक फूड इट्सेल्फ इज़ नॉट अ गुड थिंग, इसको आप जो फूड लाया जाता है, खिलाया जाता है इस जंक फूड के लिए, तो वो ऑलरेडी जो है वो इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है और इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियसली ठीक नहीं होता, तो वो उसके नज़दीक ओबेसिटी वगैरह ये इसके नज़दीक ये इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कर सकता है कैंसर में,
लेकिन डायरेक्टली आपको, मैं नहीं समझता कि अभी हाँ क्लियर मुझे सिस्टम याद है जब मैं ये माइक्रोवेव जब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था, हर किसी के घर के अंदर अब पाया जाता था और कोई उसमें खाने गर्म करते थे, तो मुझे याद है कि मैं उस वक्त थी अपने स्कूल लाइफ में जब हमें टीचर ने ये बात कही थी कि खाना नहीं गर्म करना चाहिए माइक्रोवेव में, उसकी जो रेडिएशंस हैं वो कैंसर कॉज करती हैं, तो वो एक सब बच्चों के अंदर वो एक डर बैठ गया, तो खाना नहीं गर्म करना, इससे बेहतर है कि आप नेचुरल तरीके से स्टोव पे कर देखिए, लो। ये जो माइक्रोवेव है ये ज़्यादातर, मैंने बात आपसे पहले इसकी, ये जो हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स हैं इनको डी नेचर कर देते हैं, उनकी हैत जो है वो बदल, मतलब प्रोटीन्स जो हैं उसको हमें बॉडी में एज सच चाहिए होती है, लेकिन जब वो उनको बदल देगा तो वो हमारे लिए इतनी फायदेमंद नहीं रहेगी चीज़। ये सबसे पहला एक जो सही है ना ये इसमें है। बाकी कैंसर कॉज करना, ये वो जापान में ये टोटली बैन है, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और भी कुछ मुल्कों में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। सही। हमारा अगला सवाल है, कैन इंजरीज कॉज कैंसर? डायरेक्टली नहीं, अगर वो बहुत देर तक अगर कोई भी जख्म जो है हील ना हो, ठीक है, तो कुछ सालों के बाद वो कास्ट कर सकता है, वो हो सकता है, चेंज हो सकता है उसमें, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में, स्किन के कैंसर में ये देखा गया है। बाकी कोई भी इंजरी डायरेक्ट जो है वो नहीं हो सकती। इंजरी से मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ओरल कैविटी का जो कैंसर है, अब अगर डेंचर जो है वो अगर फिट नहीं है सही, या दांत जो है वो नाक, वो नोक वाले हैं, या बैड हाइजीन है, तो ये चीज़ जो है कंसिस्टेंटली इरिटेट करती है मुंह के म्यूकोजा को, जो अंदर लाइनिंग होती है, तो ये एक किस्म की इंजरी है। ये बार बार जो इरिटेट करेगी उससे ये होगा कि वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस होंगे, ठीक है। सही। तो इस तरह का आपका इनका ये इनडायरेक्टली आंसर हो सकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट की जाए तो इस तरह मेरे नज़दीक ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्सर देखें, अक्सर कुछ माएँ जो हैं वो फिक्रमंद होके आती हैं कि बच्चे ने दूध पीते हुए जो है ना सर मार दिया, उससे जो है हमें ये गिल्टी होगी, ये वो, एक्चुअली वो गिल्टी पहले ही होती है, अच्छा, या और कुछ की वजह, महसूस आपको उस हाँ, टाइम पे हो रही होती है। लेकिन वो उस वजह से नहीं होती, वो महसूस उस वक्त होती है, या तो पहले ही होगी तो वो बेचारे बच्चे पे ब्लेम लग गया, तो इस तरह करके इंजरी जो है वो इस तरह नहीं मैं होता बिल्कुल ब्रेस्ट फिर। कैंसर के ऊपर बात करना चाहूँगी और मैं इसके ऊपर एक्सटेंसिव बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा मेजर मसला है हर ख़वातीन का यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ कॉमन हुई है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो हर तीसरी या दूसरी ख़वातीन में ये टेंशन है कि कहीं हम किसी चीज़ की वजह से हमें भी ना खुदा ना खास्ता ऐसा हो। तो हमें क्या क्या प्रिवेंशंस या प्रिकॉशनरी मेजर्स या सेफ्टी मेजर्स आप कहें कि रखने चाहिए जिससे हमें ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सके, क्या चीज़ें वो होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने पहले कहा कि 5 से 7% जो है जो फैमिलियल है, आप देखें कि आपके जो है फर्स्ट ब्लड रिलेटिव में कोई कैंसर तो नहीं है, ब्रेस्ट का हो, ओवरी का हो, कोलन का हो, सही। ठीक है, तो उनमें उन लोगों को मुहतात होना चाहिए, ठीक है। तो वो फिर कुछ टेस्टिंग होती है ख़ास उस फैमिली में अगर वो रन कर रहा है, ठीक है। अगर वो आप नहीं करवा सकते टेस्ट, तो आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करें। सही। लाइफस्टाइल चेंज का क्या है, आप सिंपल जो है वो ओबेसिटी जो है उसको अवॉइड करें, वेट अपना सही रखें, सही। एक्सरसाइज पूरी करें, और अपना हेल्दी जो मैंने जिस तरह का लाइफस्टाइल, आप अगर बाहर नहीं जा सकते घर में आप एलिप्टिकल या साइकिलिंग करें, अपने आप को फिट रखें, ये सबसे पहली है। इसके इसको ये समझना कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, मेरे नज़दीक ये गलत बात है, इसका डेफिनेटली फ़ायदा होता है, क्योंकि
जितनी भी हैवी ब्रेस्ट होंगी या ओबेसिटी होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कैंसर कैंसर के, उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्मोनल डिस्टरबेंसेस के। अगर हार्मोनल डिस्टरबेंस होगी तो न सिर्फ ब्रेस्ट बल्कि ओवरी के या यूट्राइन कैंसर के भी ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको बैलेंस रखती हैं। आप अपना लाइफस्टाइल, खाना पीना, उठना बैठना जो है इसको करें, वक्त पे सोएं, वक्त पे जागें, ठीक है, और एक्सरसाइज करें, तो ऐसा कोई नहीं मसला कि आप ठीक ना हो सकें, आपको कैंसर होने के कम चांसेस हो। ये है, बाकी जहाँ तक ताल्लुक है होने का, मेरे नज़दीक सबसे अहम चीज़ है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन, ठीक है, जब आप हम अक्सर रिकमेंड करते हैं कि जो है औरतें जो है इवन अब तो ये है कि 20-25 साल के में भी सबको यही रिकमेंड करते हैं कि जब आप अपना वॉशरूम में जाएं या कहीं जाएं, आप कोशिश करें खुद ही अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें। ठीक है, तो सेल्फ एग्जामिनेशन से कई दफ़ा अगर छोटी मोटी कोई होगी, कोई गिल्टी वगैरह या लंप होगा तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी डिटेक्ट करेंगे चांस ये है कि 100% कई दफ़ा क्योर हो जाता है, जितना जल्दी हो। ठीक है, तो वाई नॉट टू गो फॉर इट। बिल्कुल सही। तो एक तो ये चीज़, दूसरा हम रूटीनली रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना 35-40 साल के बाद जो है मेमोग्राफी करवाएं। ठीक है, ठीक है। अब मेमोग्राफी का ये मतलब नहीं है कि उससे पहले आप कुछ, अगर आपको शक है तो उससे पहले आप ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी अच्छा जो अल्ट्रासाउंड करने वाला है वो उसकी यील्ड बड़ी अच्छी होती है, वो उसमें भी पता चल जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि ज़्यादातर जो ब्रेस्ट के कैंसर्स हैं वो मिडल एज्ड ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं, अच्छा। या 45 के बाद ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उससे पहले नहीं होते। अब तो ये भी होना शुरू हो गया है कि हमारे पास 24-25 साल की भी बच्चियां आ रही हैं जिनमें ये कैंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं, अक्सर में फेमिलियल होता है, लेकिन कुछ में वैसे भी आ सकता है अननोन एटियोलॉजी की वजह से। ठीक है, कॉज की वजह। बिल्कुल ठीक है। और ओबेसिटी का यानी कि कैंसर से लेना देना है, एक सवाल आया, इज ओबेसिटी, कैन ओबेसिटी कॉज कैंसर और एड कैंसर? मैंने आपसे पहले इसका जवाब दे दिया है कि ओबेसिटी होगी तो ज़्यादा चांसेस इनडायरेक्टली होंगे। ठीक है, जो उसमें मैंने बताया पहले ही कि जितनी ज़्यादा फैट्स होंगी, जितनी हैवी ब्रेस्ट होंगी, उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो ब्रेस्ट कैंसर होगा। फिर ये इनडायरेक्टली हार्मोनल चेंजेस भी लेके आती हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो है ओवेरियन, यूट्राइन या यूट्रस का, या आप समझे ब्रेस्ट, ये हार्मोनल डिपेंडेंट ट्यूमर्स हैं। तो इनमें हमें मुहतात रहना चाहिए, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, व्हाट कैन बी द सिम्टम्स ऑफ ओवरी कैंसर? ज़्यादातर इनमें जो देखें ओवरी कैंसर जो है, अगर तो ये किसी यंग खातून में हो तो ये मुख्तलिफ थोड़ा सा होता है। जो ओल्ड एज की हो ख़वातीन, उनमें ओवेरियन ट्यूमर्स जो हैं थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। जो यंग होता है ये अगेन कुछ जो चेंजेस आती हैं बॉडी में, जो शुरू में उसके एम्ब्रियोनल लेवल पे, ठीक है, उसकी वजह से होता है, जिसको हम टेराटोमास कहते हैं। ठीक है, तो ये अर्ली हो सकते हैं, या जेनेटिक्स आप बड़ी सिंपली जिनको पंजाबी में जमांदरू भी कह सकते हैं, इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बाद में आता है वो ज़्यादातर एपिथेलियल, जिसको हम ओवेरियन ट्यूमर्स कहते हैं, वो ज़्यादातर बड़ी एज में आ रहा है, या
आप समझें कि 45 के, 40 45 के बाद से लेके 70 80 साल तक आता है। तो वो जो है वो दो एक मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट। आपने कहा कि उनके सिम्टम्स ज़्यादातर में चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग होती है ख़वातीन को, या जिस्म के नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है, ठीक है, इस वजह से वेट जो है वो भी कम हो सकता है, या अगर वो एडवांस्ड हो तो उसमें पेशाब ज़्यादा आने का भी मसला हो सकता है, या पहाने के रास्ते खून आने का भी मसला हो सकता है, ठीक है, ये ज़्यादा एडवांस में ऐसे हो सकते हैं। ठीक है। ज़्यादातर में ये होता है कि पेट में दर्द होता है नीचे, और जिस्म जो है वो नीचे वाला कसा जाता है, भर जाता है। और एक और जो चीज़ होती है, अगर पानी उसमें पेट में आ जाए तो पेट बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं साइटिस डेवलप हो गई, या पानी डेवलप हो गया। ठीक है। अगला सवाल हमारे पास आ रहा है कि व्हाट टू ईट और इंक्लूड इन योर डाइट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम कैंसर। जितना आप नेचर से करीब रह सकते हैं उतना रहें, बड़ी सिंपल सी बात, ठीक है जी। तो उसमें अगेन जो जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिशन के, जो हमारी खुराक के मेन जो चीज़ें हैं, फैट्स का, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, उनको जो खास मकदार है उसमें आप लें तो आप बेहतर है। और ये है कि हर चीज़ इस्तेमाल करें, दूध, अंडे, चर्बी का इस्तेमाल जितना ज़रूरी है उतना करें, प्रोटीन्स आपके डेफिनेटली होनी चाहिए, वो बहुत इसेंशियल चीज़ है। लोग ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं या चिकनाहट का, जो कि अनहेल्दी जो है एक्टिविटी है। सही हो गया। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर ऑल्सो सोर्स ऑफ कैंसर। सोर्स ऑफ कैंसर तो नहीं कह सकते, इसके बारे में ये है कि कुछ कंट्रोवर्सीज ज़रूर पाई जाती हैं, ठीक है, तो कुछ स्टडीज़ ये है कि ये जो ब्रेस्ट और यूट्रस के कैंसर जो हैं उनको इन्हांस करता है, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोनल डिपेंडेंट कैंसर्स हैं या ट्यूमर्स हैं, तो इस वजह से। तो बाकी एज सच जो है कुछ इसके खिलाफ भी स्टडीज़ जो आई हैं वो ये कहती हैं इसका कोई एज सच नुकसान नहीं है। अलबत्ता इससे ज़्यादा एक और चीज़ जो एक नाउन फैक्टर है वो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि जिन हवातीन में जब वो ख़त्म हो जाते हैं हार्मोन्स, आई मीन जब वो पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, इस एज में पहुंचती हैं, जब मेनार्की या मेनोपॉज आ जाता मीनो है। मी सॉरी मीनोपॉज आ जाता है, तो उसमें जब हार्मोन रिप्लेसमेंट आप लेते हैं तो उसके स्टडीज़ ये हैं कि वो इसका बायस बन रहे हैं कि वो ब्रेस्ट का कैंसर कॉज कर सकते हैं। सही है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि आर देयर सम पॉइंट्स वन शुड कंसिडर इन टेकिंग गुड केयर ऑफ अ कैंसर पेशेंट एट होम। पॉइंट्स मतलब आप कोई ऐसी तदाबीर या एहतियात की चीज़ें जो कि अगर कैंसर का पेशेंट आपके घर में है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ध्यान में देखें, ऐसे पेशेंट्स को दो में आप हिस्सों में डिवाइड करें ऐसे पेशेंट को। अच्छा। एक पेशेंट तो वो है जो कि जिसका इलाज हो रहा है, ठीक है, और जैसे कि वो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ले रहा है, ठीक है, उसमें आप उसको मुख्तलिफ रखें। जो एक टर्मिनल पेशेंट है, जो जिसमें जिसकी ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुकी है, आगे कोई भी चांस नहीं है कि वो पेशेंट जो है वो सर्वाइव करेगा, उसकी केयर और दूसरे पेशेंट की मुख्तलिफ। जब पेशेंट जो है कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी घर लेके जाता है तो हम अक्सर उनको कहते हैं घर जाके एक हफ्ते तक आपने
मास्क वगैरह इस्तेमाल करना है, जरासीमों से दूर रहना है, ऐसे बंदे जो जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, या कई दफ़ा हम इग्नोर कर देते हैं, बच्चों में भी बार बार इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, वो उनके करीब ना आए, ना ये उनके करीब जाए, उनके उस वक्त वो पेशेंट्स जो होते हैं वो उन्होंने इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट ली होती है, उस वक्त इतना चांस होता है उनमें इन्फेक्शन का कि कोई भी उनके करीब आएगा तो वो उनका रेजिस्टेंस भी कम होता है दूसरे लोगों की निस्बत, तो वो जल्दी कैच कर लेंगे, जो कि बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो पहला तो ये करें, जो भी उनकी केयर कर रहा हो अपने हाथ साथ साफ करें, फिर उनके पास जाए, वो भी मास्क ले, और घर वालों दूसरों को भी एडवाइस करें, शादी ब्याह या हजूम वगैरह से इजतनाब करें एक हफ्ते तक, अगर वो उसके बाद बेहतर हो जाता है तो आम ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, लेकिन ये है कि ये जो दूसरा मरीज़ है जिसकी जो कि टर्मिनल पेशेंट है, उसमें आपने उस पेशेंट की और तरह केयर करनी है, उसका देखना है, हम ख्याल रखना है, खुराक वगैरह उसकी सही जा रही है, उसको ये है कि देखें इसमें यूरिनेशन और दूसरा उन्होंने अपना बहाना वगैरह करना है, ये उसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको, उसकी केयर करनी पड़ती है। ठीक है, उसकी सफाई का ख्याल रखना पड़ता है, इसको टर्मिनल केयर बोलते हैं। साथ ये है कि अगेन उनको ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि जो भी उनकी लाइफ हो जितनी मौजूद हो वो कंफर्टेबल है, उनको दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनकी सांस वगैरह का ख्याल रखें, अगर ऑक्सीजन घर में मौजूद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और इसके अलावा अगर उनको कोई हाउस नर्सिंग केयर उनकी हो सकती है, होम नर्सिंग केयर, तो ये और भी बेहतर है कि वो आके कोई एडवाइस कर जाए उनको उसके मुताबिक, अगर फिजियोथेरेपी की बात को ज़रूरत हो, अगरचे टर्मिनल पेशेंट्स में कम ज़रूरत होती है तो उनमें वो भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं कैंसर केयर के हवाले से। ठीक है, ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि इफ़ वन ब्रेस्ट इज रिमूव ड्यू टू कैंसर, इज देयर एनी प्रोबेबिलिटी दैट अदर वन कैन गेट इफेक्ट टू? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, जब भी आप शुरू करते हैं इलाज, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप पहले पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं, और सिर्फ एक ही ब्रेस्ट की आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, पूरी आप बॉडी का करते हैं, कि ये आप बेसिक वर्क आप उसका करते हैं। सही, ठीक है। अगर दूसरी ब्रेस्ट जो है अगर इन्वॉल्व होगी तो फिर आप कुछ करेंगे ना, वैसे तो नहीं ना करेंगे। अलबत्ता एक और जो चीज़, जो फैमिलियल कैंसर्स हैं ब्रेस्ट के, जिन फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉबेबल होता है कि ये जो है ब्रेका 1-2 एक खास जीन जो पॉजिटिव है, उनमें कई दफ़ा दोनों ब्रेस्ट जो है ना कुछ लोग रिकमेंड करते हैं दोनों रिमूव कर दें, क्योंकि इनमें चांसेस होंगे कि ये वो जो है ना अपना दूसरे में भी जा सकता है। ठीक है, फिर 10-15% तक का एक तरह का लोबुलर कार्सिनोमा होता है एक ब्रेस्ट में, और साथ उसके अगर ब्रेका पॉजिटिव हो तो उसमें हम कह सकते हैं कि दूसरी ब्रेस्ट जो है उसको रिमूव कर दें प्रोफिलेक्टिकली एहतियातन। उसका ये मतलब नहीं है कि उसको डेफिनेटली किया जाए, उसमें अगर रजामंद हो तो वो किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन तो मुझे याद आ रहा है, बल्कि एंजेलिना जोली शायद उसने ऐसे जो एक एक्ट्रेस हैं, अच्छा, उन्होंने इस तरह दोनों ही अपने ब्रेस्ट रिमूव करवाए हुए। ठीक है, मे भी उसकी यही वजह शायद जो। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका एक बार कैंसर का इलाज हो जाता है लेकिन कुछ अरसे बाद वो दोबारा से निकल आता है, दोबारा से आपको उसी तरीके से एक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? या तो फिर कैंसर कभी भी ख़त्म ही नहीं हो सकता प्रॉपर तरीके से अगर किसी को डायग्नोज हो गया तो? इसमें आपके जो सवाल है इसमें पूरी किताब मौजूद है, ठीक है, इसके आंसर में, और इसमें मैंने
ऑलरेडी इसमें जवाब भी दिए, लेकिन अच्छा फिर मैं इसका आंसर दे देता हूँ। देखिए, ये जितना आप जल्दी किसी चीज़ को पकड़ेंगे उतना बेहतर है कि वो जल्दी ठीक हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आप अगर इसको ब्रेस्ट कैंसर में जल्दी डिटेक्ट कर लेते अर्ली हैं, डिटेक्शन इज अर्ली डिटेक्शन होती है, ठीक है। तो वो ख़त्म हो जाता है। अब अगर बार बार आता है, आपकी बात दुरुस्त है, वो बार बार आता है, जितनी दफ़ा बार बार आएगा उतनी दफ़ा चांसेस उसके क्योर के कम होते जाएंगे। बल्कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक कैंसर अगर दोबारा आ जाए तो समझे कि वो दोबारा अब नहीं जाएगा, अगर आप ट्रीटमेंट भी करेंगे। ठीक है, सही इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो उसको आप मिनिमाइज सिर्फ एक ही सूरत में कर सकते हैं कि जितनी छोटी स्टेज में आप उसको पकड़ लें उतना ही बेहतर है। जो सबसे ख़तरनाक स्टेज जो होती है वो फोर्थ स्टेज होती है अक्सर में। ठीक है, सेकंड थर्ड स्टेज जो है वो उसमें अक्सर जो है वो क्यूरेबिलिटी काफ़ी होती है। जो फर्स्ट स्टेज में तो कई कैंसर्स ऐसे भी हैं जिनमें 90-95% पेशेंट क्योर हो जाता है। सेकंड थर्ड में आप उसको कम कर दें, 70-65 कर दें, और थर्ड में भी कई दफ़ा उसका भी हम पार्ट कर लेते हैं ए बी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि वो क्योर नहीं हो सकता, वो भी 100% उनमें से जो है 60% या 50% क्योर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब कुछ किस्में ऐसी हैं, आपने अगरचे नहीं पूछा लेकिन लिवर का कैंसर है जो लिवर जिससे मैं इतना ज़्यादा आजकल मेरे पास केसेस आ रहे हैं, मैं इतना फिक्रमंद हूँ कि मैं अपनी एन्जाइटी इसमें भी बताना चाहता हूँ कि वो प्रिवेंटेबल हो के भी प्रिवेंटेबल नहीं है। और उसमें हम सारे मिन हैसुल कौम भी आप कह लें, हम सब इन्वॉल्व हैं उसमें, क्योंकि इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है या मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता था। अब मसला ये है कि जो जो हेपेटाइटिस सी या बी है वो अगर किसी बंदे को 5 से 25 साल पहले हुआ है तो उसके हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के केसेस अब आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो पहले एपिडेमिक्स जो थी वो अब आ रहे हैं। अब और हेपेटाइटिस अभी भी हमारी कम्युनिटी में इतना प्रेवलेंट है, और हम ज़्यादा मेजर्स नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। हुआ ये है कि हमें चाहिए कि हम हजाम और ये जहाँ पे जाएं, जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट, खुदा के लिए खुद चेक करें, देखें कि वो स्टरलाइज्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको कहें कि भाई ये अगेंस्ट दी लॉज है, बिल्कुल आप जो है ना सीधे सीधे उधर जाओगे, जेल में जाओगे, कुछ थ्रेट करें उसको, एज अ कम्युनिटी वर्क करें, सारे लोग मिलके कुछ काम, इतने ज़्यादा केसेस हैं आप सोच भी नहीं सकते। और मुसीबत ये है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है वो ऐसी स्टेजेस पे आ रहा है जो उसको आप क्योर क्योर तो भूल ही जाए, उसको कुछ सालों के लिए आपका रखना जो है हमारे लिए मुसीबत बन चुकी है, वो ठीक ही नहीं होता। और इसलिए आपके ज़रिए भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपने सब सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी, खुदा के लिए अपना ख्याल रखें। जब आप अपना रखेंगे इनडायरेक्टली जिसके पास भी आप जाएं, अब लोगों ने समझ लिया है कि ये गली मोहल्ले में जो हजाम होंगे हाँ यही जो है इस तरह कर रहे हैं कि वो अनस्टरलाइज्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छी अच्छी वो जो है आप ब्यूटी पार्लर्स पे या आप सैलून्स पे इस तरह हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास हमें टीमें जानी चाहिए, उनको जाके एजुकेट करें, सारा बताएं, किसी का लाइसेंसिंग तब दें जब पता चले कि वो बंदा डॉक्टर वाकई साहब, इसमें। डेंटिस्ट के पास भी आप जाओ तो उनके भी अभी रिसेंट डेंटिस्ट थोड़ा टाइम में पहले केस एक हाँ आया था किसी क्रिकेटर के साथ कि
कि उन्हें हेपेटाइटिस हुआ ही इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने जहाँ से अपने दांतों का इलाज करवाया था उनके इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज नहीं थे। बड़ी अच्छी बात की आपने, मैं इसलिए डेंटिस्ट का जानबूझ के नाम नहीं लिया कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिए, और ये इस वजह से मैंने उनको, उन्होंने वाकई यकीन, यानी उन्होंने बड़े अच्छे मेजर्स लिए। ओके तो हमें ये चाहिए कि हम दूसरे जो लोग हैं जो जो एजुकेटेड नहीं है उनको भी एजुकेट करें, क्योंकि वो प्रॉपरली एजुकेट किए हैं, सही, तो इस वजह से उन्होंने ये मेजर्स लिए सेफ्टी हैं, मेजर्स अदरवाइज लिए, तो ये बहुत खतरनाक बात होती। सही, बिल्कुल ठीक है। हमारा अगला सवाल स्टमक से रिलेटेड है। स्टमक कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं? मैं टेस्ट करवाए तो एक टेस्ट में स्टमक कैंसर आया है और दूसरी जगह से करवाया तो उसमें नहीं आया, रिपोर्ट क्लियर आई है, तो मुझे अब कैसे पता चलेगा कि मुझे कैंसर है या नहीं? देखिए, मैं इसमें एक से आया दूसरे से आया, मैं ये इस पे बिलीव नहीं करता। अगर आया है तो आया है, ठीक है। अब अगर आप तीन लेबोरेटरीज हैं उनमें आप करवाते हैं, दो में नहीं आता एक में आता है, तो मैं एक को भी मानूंगा, और उसको रिकन्फर्म करवाने के लिए जिस स्लाइड पे उन्होंने पॉजिटिव निकाला है आप उसको रिव्यू करवाएं किसी और ऑथेंटिक जो है लेबोरेटरी से, और इसको ये ना समझे कि आप जो दो आई हैं नेगेटिव या एक आई है नेगेटिव उसको नहीं आपने इतना कंसिडर करना, ठीक है। जो अगर पॉजिटिव आई है, जिन्होंने पॉजिटिव निकाला हुआ है, उनको आप वही स्लाइड्स लेके किसी दूसरे को दिखाएं जो ऑथेंटिक लेबोरेटरी है, उससे आपको रिकन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आई जस्ट टेक ब्रेकफास्ट ऑन डेली बेसिस एंड फुल डे आई जस्ट टेक टी एंड एट नाइट आई टेक डिनर, सो वाइल स्लीपिंग आई फेस स्टमक प्रॉब्लम्स। अच्छा, मतलब उनके कहने का मतलब है कि मैं डेली बेसिस पे नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद मैं सिर्फ एक कप चाय पीता हूँ सारा दिन में, और रात को मैं खाना खाता हूँ। मतलब वो अपना लंच स्किप करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं और डिनर लेते हैं, तो जब लेकिन जब वो सोने लगते हैं तो उनको स्टमक के प्रॉब्लम स्टार्ट हो नहीं, जाते हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि आप अगर स्किप करते हैं खाना, तो बेहतर ये है कि आप तकरीबन मगरिब के बाद ले लिया करें, 7 बजे अगर आप एक लंच आपने स्किप किया। पहली बात तो ये कि स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाना खाने की बजाय कोई और छोटे मोटे स्नैक्स ले लें इस तरह की, ठीक सही, है। अच्छा, बाकी नाश्ता जो है आप बिल्कुल सही तरह करें, नाश्ता जो है आप जितना करेंगे उतना ही बेहतर है। तो लेकिन ये कि अगर आप रात को पेट भर के खाना खाएंगे, सारे दिन की कसर उसमें निकाल देंगे, तो डेफिनेटली फिर दर्द तो होगा पेट में। तो अगर आपने रात को ही लेना है तो बेहतर आपके लिए टाइम जो है वो सोने से 3-4 घंटे पहले है, ठीक है। ओके ठीक है। अगला सवाल है हमारा, हाउ टू गेन वेट इन IBS? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज टू मच फूड अवॉइडेड ड्यू टू IBS। ये IBS, IBS, हाँ जी, हाँ, ये तो IBS होता है, ये बाउल, ये इंटेस्टाइंस की प्रॉब्लम है। ओके, तो इसमें क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरा वेट मैं कैसे गेन करूं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाना अवॉइड कर लिया है इसकी वजह से। नहीं, वो आप चंक्स में तो छोटे छोटे आप इंटरवल्स दें ठीक है बजाय के एकदम ज्यादा करें। ठीक है। उन्होंने साथ एक और कमेंट ये भी किया हुआ, आई डोंट टेक आयरन रिच्ड फूड ड्यू टू IBS स्टमक प्रॉब्लम, नाउ हाउ टू गेन वेट एंड हैव हेल्दी स्टमक। ठीक है, चंक्स में लिए लें अपने, हाँ जी, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि आफ्टर फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट हाउ टू ओवरकम द सेकेंड अटैक ऑफ लिवर कैंसर? देखिए, इसमें मैंने पहले भी इसमें अर्ज कर दिया लिवर कैंसर्स का, कि अगर तो आप हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की बात कर रहे हैं तो उसका साइज वगैरह देखना पड़ेगा कितने नंबर्स हैं वो उसके लियंस के, फिर देखना पड़ेगा कि क्या जो उधर थ्रोम्बस तो नहीं है
इंफीरियर वीना केवा या पोर्टल वेन में या इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये एक जनरल आपने बात पूछी है कि सेकंड कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो अगर तो पेशेंट की बिल्कुल ठीक है, मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस स्टेटस, उसकी जनरल कंडीशन ठीक है, तो बहुत सी दवाइयाँ निकली हैं जो हम उसको सेकंड लाइन में दे सकते हैं, ठीक है। तो इवन थर्ड लाइन में भी दिया जा सकता है। तो पेशेंट 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 टू पेशेंट वेरी करता है इसमें, लेकिन ये कि इलाज किया जा सकता है। सही, ठीक है, ओके। अब हम अपने लाइव सेशन को जो है इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहे हैं, अपने आखिरी कुछ सवाल लेंगे और फिर हम इसको ऑफर करने लगे हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि ब्रोंकाइटिस के बारे में है कि उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, उसका कोई ट्रीटमेंट भी बता दें। ब्रोंकाइटिस जो है ये टेक्निकली तो देखा जाए तो मेरा डोमेन नहीं है, जो ये पल्मोनोलॉजिस्ट का है। अगर ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो इसको आप डेफिनेटली अवॉइड करें, जो चीज़ें जो हैं आपको तंग कर रही हैं। तो लेकिन ये कि आप अपना गेन हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, ठीक है, और अवॉइड करें एक्सटर्नल जो फैक्टर्स जो हैं जो तंग कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इसी तरह इसीलिए हम अपना आखिरी सवाल भी लेकर जा रहे हैं कि जो कि पूछा गया है कि इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं स्टमक कैंसर के, कोई इनिशियल सिम्टम्स। इसमें सबसे ये जो एपिगैस्ट्रियल पेन है, okay. जो यानी कि पेट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में दरमियान में दर्द होना, आप थोड़ा सा शो भी करा दें उनको कि किस हिस्से में ये, ठीक है, यहाँ पे इसका होना। फिर ये कि चेहरे पे जर्दी आना, ठीक है, उसमें इसलिए कि खून भी जाया जा सकता है जिस वजह से हो सकता है, ठीक है। फिर वजन का कम हो जाना, ये भी, भूख का ना लगना, आपने कुछ खाना है तो उसमें दर्द भी हो सकता है और वॉमिटिंग भी हो सकती है, नौजिया भी हो सकता है। तो ये उसके खास जो है स्टमक के सिम्टम्स हैं, ठीक है। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप आए यहाँ पे और आपने हमारे साथ वक्त दिया, हमें हमारा लाइव सेशन आया, लोगों के सवालों के जवाब दिए। तो अगर आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मरम के प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी हैं, वो ऑनलाइन भी आपको जो है वो बता सकते हैं। अगर आपने कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, कोई मिथ है, तो डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं। और इन्होंने अपनी प्रैक्टिसिंग प्लेस बता दी है, वज़ीर हबीब सेंटर, जो कि इस वक्त है जौहर टाउन में डॉक्टर्स हॉस्पिटल के बिल्कुल अपोजिट। तो आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़ी कभी तो डॉक्टर साहब को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं डॉक्टर साहब आपसे बस आखिरी कुछ कहना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं व्यूवर्स को। हाँ, मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने जब भी पता चले किसी को कि किसी कैंसर है तो अलार्म ना हो, ठीक है, बल्कि कोशिश करें कि आप जो है कोशिश करें काम डाउन करें हर एक को, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें और प्रॉपर डॉक्टर्स के पास जाया करें। आप खुदा के लिए इधर उधर जो अगर जाएंगे तावीज़ों वगैरह ये, आप जस्ट टाइम ज़ाया करेंगे, वो इतना कीमती टाइम होता है कि वो फिर कई दफ़ा जो कैंसर होता है वो इलाज की हद से निकल जाता है, ठीक है। आप देखें, ये मानते हैं कि ये 2-3 हफ्ते जो होते हैं वो पेशेंट्स के डिनाइल के होते हैं, हमें पता है, लोग कहते हैं हमारे साथ क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, शायद डायग्नोसिस गलत है, ये वो डिनाइल ज़रूर है, ये एक नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन उसको ओवरकम आपने करना है, उनको प्रॉपरली सही आपने एक्सपर्ट्स के पास लेके जाना है, ताकि वो कीमती टाइम ना ज़ाया हो। एक दफ़ा टाइम निकल गया तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता, अगर किया भी जा सकेगा तो वो समझें कि सिर्फ लाइफ को थोड़ा लंबा करने के लिए या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, उसको क्योर जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए ये मेरा मैसेज है कि आप जो है हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस, जिसका जो काम है उसके पास जाएं,
ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ तो ओबेसिटी से अवॉइड करें, नेचुरल डाइट लें, हेल्दी एक्सरसाइज करें और खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम अगले लाइफ सेशन के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।